कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 1 संख्याएं सवाल 1 से 7 तक। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 5 विषय गणित अध्याय 1 संख्याएं और इसमें प्रश्नावली 1। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। पहला 24,056 बराबर 24,056। दूसरा 40,009 बराबर 40,009। तीसरा 99,999 बराबर 99,999। चौथा 80,511 बराबर 80,511। पांचवा 67,725 बराबर 67,725। सवाल नंबर 2, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखिए। पहला 12,372 बराबर 10,000 प्लस 2,000 प्लस 300 प्लस 70 प्लस 2। दूसरा 23,434 बराबर 20,000 प्लस 3,000 प्लस 400 प्लस 30 प्लस 4। तीसरा 45,302 बराबर 40,000 प्लस 5,000 प्लस 300 प्लस 0 प्लस 2। चौथा 75,004 बराबर 70,000 प्लस 5,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 4। पांचवा 68,877 बराबर 60,000 प्लस 8,000 प्लस 800 प्लस 70 प्लस 7। सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए विस्तारित रूप को संख्या के रूप में लिखिए। पहला 40,000 प्लस 5,000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 2 बराबर 45,772। दूसरा 60,000 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 20 प्लस 6 बराबर 60,026। तीसरा 30,000 प्लस 9,000 प्लस 900 प्लस 0 प्लस 8 बराबर 39,908। चौथा 50,000 प्लस 2,000 प्लस 800 प्लस 10
प्लस ए बराबर 52,811। पांचवा 80,000 प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस शून्य प्लस 8 बराबर 80,008। सवाल नंबर 4। नीचे दी गई संख्याओं में 6 व 2 का स्थानीयमान लिखिए। पहला 28,506। 28,506 में इकाई के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 6। 10,000 के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 20,000। दूसरा 36,265। 36,265 में दाहिने के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 60। सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 200। हजार के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 6,000। तीसरा 52,266। 52,266 में इकाई के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 6। दाहिने के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 60। सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 200। हजार के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 2,000। चौथा 69,242। 69,242 में इकाई के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 2। सैकड़ा के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 200। 10,000 के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 60,000। पांचवा 82,563। 82,563 में दाहिने के स्थान पर 6 का स्थानीयमान बराबर 60। हजार के स्थान पर 2 का स्थानीयमान बराबर 2,000। सवाल नंबर 5। नीचे दी गई संख्याओं के बीच बड़ा छोटा बराबर में से उपयुक्त चिन्ह लगाएं। पहला 2,979, 2,932। इन दोनों के बीच में 2,979 बड़ी है, यहाँ बड़ा चिन्ह लगेगा। दूसरा 5,423, 5,432। इन दोनों में 5,423 छोटी हैं, यहाँ इनके बीच में छोटा चिन्ह लगेगा। तीसरा 8,952, 8,952। यहाँ दोनों तरफ बराबर संख्याएं हैं, इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। चौथा 6,850, 6,852। यहाँ 6,850 छोटी संख्या है, अतः यहाँ दोनों के बीच में छोटा चिन्ह लगेगा। पांचवा
3675, 3675 दोनों तरफ बराबर संख्याएं हैं, अतः इनके बीच में बराबर का चिन्ह लगेगा। छठा 9821, 9799, 9821 बड़ी संख्या है, अतः यहाँ बड़ा चिन्ह लगेगा। सवाल नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखिए। पहला 26,886, 37,725, 30,840, 25,975, 40,021, इन संख्याओं को हमें छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। 25,975, 26,886, 30,840, 37,725, 40,021। दूसरा 59,307, 53,907, 59,703, 57,039, 57,903, इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। 53,907, 57,039, 57,903, 59,307, 59,703। तीसरा 74,443, 74,434, 74,344, 77,444, 77,555, इन संख्याओं को छोटे से बड़े के क्रम में लिखना है। 74,344, 74,434, 74,443, 77,444, 77,555। सवाल नंबर 7, नीचे दी गई संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए। पहला 41,525, 51,425, 34,152, 42,325, 50,925, इन संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। 51,425, 50,925, 42,325, 41,525, 34,152। दूसरा 86,067, 81,316, 85,032, 82,511, 81,154, इन संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। 86,067, 85,032, 82,511, 81,316, 81,154। तीसरा 76,543, 73,456, 74,356, 76,435, 74,653, इन संख्याओं को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है।
76,543, 76,435, 74,653, 74,356, 73,456।